सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस कर्लीज क्लब पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। गोवा पुलिस ने लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा है और कर्लीज क्लब की लाइसेंस की जो अवधि है उसे समाप्त करने के लिए कहा है, कर्लीज क्लब का लाइसेंस रद्द करने के लिए कहा है। इसे लेकर गोवा टूरिज्म ट्रेड एक्ट के तहत ज्वाइंट टीम बनाई गई है जो कि एसडीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। तो सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनका परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उनके भाई रिंकू ढाका ने मामले में सबूत मिटाए जाने का शक भी जाहिर किया। साथ ही रिंकू ढाका ने कहा कि गोवा पुलिस जब भी हरियाणा में आए तो गुरुग्राम वाला फ्लैट परिवार वालों की मौजूदगी में ही खोला जाए क्योंकि उन्हें शक है कि सबूत मिटाए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस बार बार पूछने पर नहीं बता रही है कि वो कब आ रहे हैं। वहीं सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मेरी हरियाणा सरकार और गुड़गांव पुलिस से प्रार्थना है कि जब भी गोवा पुलिस हरियाणा में आए और गुड़गांव फ्लैट को खोला जाए तो वहां सोनाली फोगाट के परिवारजनों की मौजूदगी में ही उनको खोला जाए क्योंकि आरोपियों के द्वारा पहले भी बहुत सबूत मिटा दिए गए हैं और परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में अगर वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये केस बिल्कुल यहीं ख़त्म हो जाएगा और इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो क्योंकि जो अभी जांच हो रही है उससे वी आर नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि कुछ एक्शन लिया ही नहीं जा रहा, ना ही उनसे कुछ, ना कुछ वो बोल रहे कि हमने ही करा है। क्या होता है, मतलब पुलिस है, काम करो ढंग से। इसलिए हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और बात मेरी मम्मा के जस्टिस की है तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कुछ 1 वीक अराउंड शूटिंग चलेगी इसलिए वो गोवा जा रही है, लेकिन हम पता चला है कि वहाँ पे सिर्फ रिजॉर्ट सिर्फ 2 दिन के लिए बुक हुआ था। सो कहीं ना कहीं पता चलता है इट्स प्लान्ड मर्डर। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में आरोपी सुधीर सांगवान जो कि सोनाली के पीए रह चुके हैं उन पर फर्जी एड्रेस पर पासपोर्ट बनाने के भी आरोप लग रहे हैं। 2016 में सुधीर सांगवान रोहतक के एक मकान में किराए पर रहता था, तब मकान मालिक ने उसे जबरदस्ती घर से निकाला था। मकान मालिक चरण सिंह अहलावत का कहना है कि पासपोर्ट पर परमानेंट एड्रेस होता है जबकि सुधीर सांगवान ने धोखे से उनके घर का पता पासपोर्ट पर लिखवा दिया था जो कि पूरी तरह से गलत है। और अब सोनाली फोगाट की मौत के बाद लोग सुधीर सांगवान के बारे में जानने के लिए उनके घर आ रहे हैं जिससे उन्हें काफी परेशानी भी हो रही है। यहां पर आपको पासपोर्ट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सुधीर सांगवान के, जिसमें पता लिखा है किसी और का। ये पता सुधीर सांगवान के मकान मालिक रह चुके, वो भी 2016 में उनके मकान मालिक रह चुके एक ऐसे व्यक्ति का है जिन्होंने सुधीर सांगवान को अपने घर से निकाल दिया था। चरण सिंह अहलावत के घर का पता सुधीर सांगवान ने पासपोर्ट में इस्तेमाल किया, परमानेंट एड्रेस की जगह उसने अपने किराए के मकान का एड्रेस दिया। मेरे पास जो 2016 में सुधीर सांगवान किराए पर रहता था, मेरा मकान ऊपर खाली था उस टाइम, वो किराए के लिए उसने लिया था, वो खाली करके चला गया। उसके बाद हम लोग कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। मैं कहता चाहूँ मेरा पेंडा छुटाऊ, मेरा इससे कोई लिंक नहीं है सुधीर सांगवान से। हाँ जी, मैं हम दोनों यहाँ पे भी बहुत तंग आ चुके हैं इससे, और मेरा इससे जो ना पेंडा छुटाओ, ये बार बार यहाँ आदमी आता है, मेरी भी बेइज्जती होती है अड़ोस पड़ोस में कि भी मामला क्या, मेरा उससे कोई लिंक नहीं, मेरा मामला नहीं, फिर भी मेरी बेइज्जती हो रही है।